वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम इंटीजर में डिवीजन ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ इंटीजर में सिंपली जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही हम लोग करेंगे। जैसे -48 है डिवाइड बाई 12, तो 48 बाई 12, तो ये पूरा हम लोग का लेंगे सैम्बुल बस देख लेंगे। सैम्बुल अगर माइनस माइनस ये एक माइनस है तो माइनस कहीं पर कट नहीं रहा, तो ये माइनस का माइनस हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग ये -144 डिवाइडेड बाई -16, तो -144 बाई डिवाइडेड बाई -16 करेंगे तो 16 ये 9 से कट जाएगा और ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो ऐसे पॉजिटिव में 9 आएगा। मतलब जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं वैसे करेंगे। अगर कहीं पर माइनस साइन है तो वे माइनस साइन बस वहाँ पर लिखाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 69 है और डिवाइडेड बाय -23, तो ये हो गया। तो इसमें भी एक माइनस हमारा बचा हुआ है, तो हम लोग ये दोनों तो डिवाइड सिंपली पहले डिवाइड कर लेंगे। और साइन रहा बात साइन का, तो साइन का बात रहा तो एक माइनस है तो एक माइनस यहाँ पे दे देंगे। और अगर दो माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। यही डिवीजन सिंपली टिप डिवीजन ही है। जैसे एक और एग्जांपल 98 है डिवाइडेड बाय 14, ये तो जैसे डिवीजन होता है वैसे ही डिवीजन है, 7 हो गया। -48 है डिवाइडेड बाय -16, तो -48 डिवाइडेड बाय -16, सिंपली ये दोनों तो डिवाइड कर लो 4 टाइम्स, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये तो हमारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंटीजर। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर में हम लोग पहला प्रॉपर्टी हमारा, अगर ए एंड बी आर टू इंटीजर तो ज़रूरी नहीं है कि ए डिवाइड बी करेंगे तो इंटीजर ही आए। ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी को डिवाइड करें तो इंटीजर ही आए। ए और बी को डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन भी तो आ सकता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो वे इंटीजर तो होगा नहीं। जैसे 16 डिवाइड बाई 5, ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये एक इंटीजर आएगा, नहीं आएगा ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा यही है कि ए और बी अगर दो इंटीजर है तो ए को अगर हम बी से डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वे इंटीजर ही हो। ये पहला प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हमारा ए इंटीजर है, अगर ए बी एन इंटीजर, अगर ए इंटीजर और ए जीरो के बराबर नहीं है तब जो होगा ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो वैल्यू हमारा ए के जगह पर है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। -2 को -2 के कोई भी संख्या को खुद से डिवाइड करेंगे तो उतना ही 1 आएगा ना। 5 को 5 से करेंगे 1, -2 को 2 के -2 के से करेंगे तो 1, 6 को 6 के करेंगे तो 1, 10 को 10 से करेंगे तो 1। मतलब कोई भी इंटीजर में खुद से डिवाइड करेंगे स्टेप 0 तो उसका वैल्यू 1 आएगा। अब थर्ड क्या है, अगर ए इंटीजर है, ए बी एन इंटीजर, अगर ए हमारा इंटीजर है तो अगर ए को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ए ही आएगा। अगर हम लोग ये पढ़े हैं ना, तो कोई भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करने पर उतना ही वैल्यू आता, 12 है तो 12 को ए से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा ना, 3 है तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा ना, -4 है उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो -4 ही आएगा ना। ये सब सिर्फ एक प्रॉपर्टीज बनाया और जानते हैं हम पहले से ही, अगर कोई भी वैल्यू में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग का है उतना ही वैल्यू आएगा। अगर कोई भी वैल्यू में हम
उसी से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू हम लिए उसी का, तो 1 आएगा। प्रॉपर्टीज 4, इफ ए इज एन इंटीजर, अगर ए हमारा इंटीजर है, अगर ए हमारा एक इंटीजर है और ए 0 के बराबर नहीं होता, इफ ए बी एन इंटीजर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो 0 के हम लोग ये हम लोग पढ़े हैं ना, ये छोटा टॉप कोई भी वैल्यू में हम लोग कोई भी वैल्यू में हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वे वैल्यू 0 आता है। मतलब कोई भी वैल्यू को हम कोई भी वैल्यू से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ये इसका वैल्यू क्या आएगा और एक इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा और इसका वैल्यू मीनिंगलेस आएगा, मतलब इतना कोई वैल्यू नहीं है। जब भी नीचे 0 आ जाता है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी जितना हम लोग डिफाइन नहीं करते, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई भी वैल्यू में हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 डिवाइड बाई 2 तो ये 0 आएगा। जब हम लोग 0 को अगर डिवाइड कर, अगर हम लोग का जब भी नीचे अगर 0 आ जाता है तो ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है वैल्यू। तो हम 0 को डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड, इतना कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये मीनिंगलेस है। और 0 डिवाइड बाई सिर्फ तो हमेशा 0 आएगा, या फिर कोई भी वैल्यू को हम लोग डिवाइड करें तो आगे नहीं तो 0, 0 बाई माइनस 2 है तो 0। फिर हमारा 5th प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी हमारा 3 इंटीजर है, ए बी सी हमारा 3 इंटीजर है, तो अगर ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी नॉट इक्वल होगा ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी ब्रैकेट में, जब तक सी 1 के बराबर नहीं होगा जब तक ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो डिवीजन भी होता है जो हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, जब तक सी 1 नहीं हो जाए, जब तक सी 1 नहीं हो जाता, जब तक ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर मान लो ए 12 लिए, बी 4 लिए और सी 2 लिए, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 फिर इक्वल अगर कर रहे हैं हम लोग, पहले चेक कर रहे हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 12 3 डिवाइडेड बाई 2 16 लेते हैं, ठीक है 4 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आया, ये 8 आया, ये 2 आया, दोनों इक्वल है नहीं है ना, तो ये हेंस डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। जब तक सी अगर 1 नहीं होता है, जब तक डिवीजन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर, मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर इज डिनोट, अगर इंटीजर ए का अगर हम लोग को मॉडुलस निकालना है तो उस तो पहले डिनोट को हम लोग ऐसे कहते हैं, ये दो साइड पे बार लगा के ये हो गया उत्तर डिनोटेशन। मॉडल अगर ए इंटीजर है हमारा उत्तर अगर मॉडुलस तो ऐसे लिखेंगे, और अगर ए यहाँ पर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो दोनों का मॉडुलस ऐसे ही लिखाएगा। अगर 6 का हम लोग को मॉडुलस निकालना तो इसका वैल्यू 6 ही आएगा, माइनस 6 का भी निकालना तो इसका भी वैल्यू 6 ही आएगा। तो मॉडुलस सिंपली एक पॉजिटिव नेगेटिव भी है तो उसका मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव भी है तो उसका बाहर निकल के पॉजिटिव ही आ जाएगा, यही होता है मॉडुलस। मॉडुलस तो डिनोट करते हैं दोनों साइड बार लगा के।